और भालू किड़े मार गिए और इड़े मार और बीमारिया गाल सोन माने आके साढ़े साढ़ के बंदा जलील होया पी है उरावण दा ना ही नहीं लेंदे पता नहीं क्या रोला पी है पी है शादी करनु कर ली सी हुण जी उरावण दा ना नहीं ढूंढ ना कोई ए पुछते ने भाई क्या चीज जरूरत है के चीज जरूरत नहीं हुण जी शादी करके मंजे ते चढ़ा के भलाड़ी ते पता नहीं कडाना से ओ मरे ते मगरू ल मैं ओ हमे ट्रक तले इडे मार गाल सुनवा पहले बीमारी चढ़ी वती है गाल सुनन तू पहले हुण पे के बीमारी पे क्या चीती थई बैठी है हां मैं तकलीफ है भाई ते शादी करन तू पहले सोचनी आई हुण शादी कर लेगे हुण तन बीमार हुण के बीमारी पे गई है मुसीबत या ये परेशानी आवण च ना दे बैठी दी होंदी अच्छा साडे नाल शादी कराने च परेशानी हो गई है तानू अच्छा तू आधी क्या छिंती थई बैठी है आधी क्या है तू मेरा कोई सामान सुरखी मुसाग एक कपड़े दिगड़े में लमने होते न तू कमावा मेरी वजह तू कुछ करके आवो बैर वन्यो कमा के आवो खर्चा दे दो मेरे को तकलीफ इतनी है तेरे को हर शादी पे मैंने शादी ना ही करनी मरना ना या मेरे को पता ही मैं तकलीफ की वे तू मनुष्य तकलीफ है तो ना तू सा शादी करवा मेरे को पता है मनुष्य आंधे मेरे को तकलीफ की वे सी उठ के काम ते वन्यो चलो काम करके आवो वे ना मैं दो दिन सुकून तक दे वे ना एक मिनट ही कहना मेरे मैं खर्चे जरूरत है बन्यो काम ते मैं को डॉक्टर सडावन दे मैं ठीक थी वैसे ना ते हुन पहले बात कोई जरूरत नहीं पहले काम ते वन्यो बाद डॉक्टर आवे से नहीं डॉक्टर को सडावन दे आज मेर पर निकल मैं भाई की देन दवाई लमन मैं को घिनन दे पर मैं तक ऐसे उन्हें डॉक्टर सडवावन ने वो नेदी सिर तरती उन पोसी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निवास डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल में घर घर यार भालू बुलंदा पिया तो यार इन्हें कार मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा है खांसी है मेरे को लगता है मसला फेफड़े आता है सांस तकलीफ है जल बहुत मेहरबानी तो हाड़ी बहुत मेहरबानी थी सी आओ आओ जी ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਚੇ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮੇਡੀ ਸੀ ਆਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਤੂੰ ਕਮਾ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕੋ ਬਸ ਕੋ ਇਕਬਾਲ ਕਿਆ ਥੀ ਖੜੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਖਰੀਦ ਅੱਛਾ शादी थी वाली हाल क्या उचे उचे साग है उचे उचे होर उच्चा साग है उच्चा आया था नहीं गाले ये ज्यादा बीमार की थी खड़ी है ही को अच्छा मैं ही को आर दिया दवाइयां दे दा लेकिन गाले ही को निस्तर मुल्तान घेन वाज बड़े अस्पताल है मैं कुआर दिया दवाइयां लेना ही था इलाज लग दे कर ये ज्यादा खराब थी अपने आवे बाल में तो कुछ दवाइयां ले वहाँ हम मेरी सुनी था सेर चे घोट पर हम मारा अगर ये सेर चे घोट ये सेर घोट हल्की चल बन्यो पर जाइए ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੁਛ ਬੜੇ ਬਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕੋਰਾ ਮਾਵਣੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਵਾਦ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਟਰ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਨਮ ਜਾਈ 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 ਜਾਈ
मैं ते को निस्तर मुल्तान नहीं ते को कबर गुस्तान घेन के वैसा अब भला थी नहीं नहीं दवाई मेरे को भर था और तो पानी तो भर के देख मैं दवाई घेन ये दवाई नहीं ये गवाई खावा है ते तू सता ले लेके काम ते बनियो मैंने चाम की जरूरत कहनी मैंने काम की जरूरत है शाम तो पहले 1500 रुपया कमा के मेरी तली तैयार रखना उठो चलो बनियो चलो भालुआ ठेकेदार हो बिलकुल मैं ठेकेदार हाँ मैं मजदूरी करना चाहना मजदूरी मिल सकती मजदूरी मिल सकती है ए गड्डी लोड करनी है ए मेरे पे कुटना ए कुटना भरना है मैं हाजिर मैं कर ले सना मजदूर है दिहाड़ी असि देने आयो 350 रुपया नहीं जी ठेकेदार साहब 800 जल्दी करिए 600 ले लीजिए 600 ले लीजिए मेहरबानी कर दी चलो ठीक है जा काम कर तन 600 मिलते मेहरबानी मुंशी आ ला काम ते ठीक है काम करो जल्दी बंदा गया मारे हाथ पैर सीधे करो वेखो ना मूं वहीं कर रहा काबे वाल वाह भाई वाह ए पहला पहला बंदा देखा मैं नसीब वाला जिसके अंदर ठंडियो ला चाहिए लुंगी पहले आ हाँ लुंगी आ गई चल चाओ मंजी कल मैं शहादत पढ़ू इधर लोग आ जाओ ओ यार ओए मुंह मोड़ नहीं आवना चलो कोई मुंह तरे दे भाई जी चलो मैं दिया दे बात चलो ओ बड़े वाह भाई वाह
जहान उत्ते करना गुमान वे सदा नहीं रहना इत्ते किसे इंसान वे बंदे आ जहान उत्ते और तू मजदूरी करन गया मेरे कोलो मैं ते गले ते चार छुरी होई ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਲਾਮਣੇ ਪਾ ਗਏ ਮੈਂ ਖੜ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡਾ ਖੜਕਾਈਆ ਆਨ ਭਾਈ ਬਾਇਰਾ ਆ ਵੇਖੋ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੂਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਇ ਖੱਕਦਾ ਖੱਕਦਾ ਠੱਠਾ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਮਾਈ ਆ अस्सलाम वालेकुम मेरे तरफों सब मेरी मामा बहनों नु मेरे तरफों सलाम होवे ते ए जो असा हुन तन दिखाए ड्रामा ही होगी या फनी होगी या जो भी समझो ते बीमार शौहर हो पाउंदा है ता बीवी दा हक बनदा है कि अपने शौहर दा साथ देवणा ताकि मेरी तरह एंट ते ए खता ना चावो कि शौहर बीमार होया काम ते वने ते फौत हो के आवे सब नु मेरे तरफ ये पैगाम है कि मेहरबानी शौहर दी खिदमत करो इतना जलील ना करो मेरे भैणा मामा मैडम तुहानु सही आख रही है अपना शौहर बीमार होवे उस नु कारोबार ते ना भेजो उहदा इलाज करो उहनु घर बहाओ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੇਚੋ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਲੈ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਕਬਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਣੀ ਧੀਆਂ ਕੋ ਔਰ ਜੋ ਅੱਛੇ ਖਾਵਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਰਥੀ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਫਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਮੈਂ ਡਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਅੱਛੇ ਘਰ ਬਣਾਓ ਅੱਛੇ ਇਖਲਾਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਕਰੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ A1 ਚੈਨਲ A1 ਅਸਲਮ ਫਨੀ ਟੀ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸਲਮ ਫਨੀ ਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸਲਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ A1 HD ਟੀ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਖਾਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਾਸ਼ਾਊਰ ਜਨਾਬ ਮੋਹਤਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਨਕਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਡਮ ਸਾਮਲੀ ਮੈਡਮ ਸਾਮਲੀ ਔਰ ਚਾਚੇ ਬਖਸ਼ੂ ਬਤੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਓ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਫਨਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਲ ਇਹ ਖੜਾ ਇਹਦੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਿੰਨਿਆ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਟੂਬ ਇਡੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਕਾਤ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਡਰ ਥਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।